ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समय के अभाव के चलते आजकल मशीनी युग में किसी के पास भी समय नहीं है कि कोई किसी कार्य के लिए एक दिन भर इंतजार करे, परंतु इंदौरा क्षेत्र के कुछ लोग आज भी एक सप्ताह का इंतजार करके भी आधुनिक मशीनी को छोड़कर आज भी वर्षों पुराने लगे घराट में आटा पिसाई करके ले जाते हैं। यहाँ पुराने पारंपरिक घराट को अभी भी पूरी जिम्मेवारी के साथ 24 घंटे चला रहे हैं। समय के अभाव के चलते आजकल मशीनी युग में किसी के पास भी समय नहीं है कि कोई किसी कार्य के लिए दिन भर इंतजार करे, परंतु इंदौरा क्षेत्र के कुछ लोग आज भी एक सप्ताह का इंतजार करके भी आधुनिक मशीनी को छोड़कर आज भी वर्षों पुराने लगे घराट में आटा पिसाई करके ले जाते हैं। ये पुराने पारंपरिक घराट को अभी भी पूरी जिम्मेवारी से 24 घंटे चला रहे हैं। उपमंडल इंदौरा के अधीन पड़ती पंचायत मलाहड़ी के गांव कुकडाला के निवासी बलदेव सिंह राणा उर्फ काकू घराट पर जाकर देखा तो कई लोग अपने आटे की पिसाई का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग अपनी गाड़ियों में सवार होकर पठानकोट, मिर्थल, इंदौरा और फतेहपुर एरिया से घराट का आटा खरीद कर ले जाने के लिए आए थे। घराट के मालिक बलदेव राणा उर्फ काकू ने बताया कि ये घराट का कारोबार करके मैं और मेरा परिवार आज बहुत खुश है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 1980 से पहले मैं नौकरी के लिए इधर उधर भटकता रहा, पर कोई भी नौकरी नहीं मिली और कहरन खड्ड के किनारे मेरी थोड़ी सी जमीन थी और उसमें घराट लगाने के लिए मन बनाया और एक वर्ष में घराट को तैयार करके चला दिया और उसमें से लेकर आज तक बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। इस घराट के चलते ही मैंने पूरे परिवार की पढ़ाई करवाई और अच्छा मकान बनाया और आज मेरे बच्चे सरकारी और निजी नौकरियां कर रहे हैं और जब वो घर पर छुट्टी आते हैं तो भी मेरे इस काम में हाथ बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने कृषि योग्य भूमि की खरीद की और जिसमें मैंने बागवानी के साथ साथ कृषि का कार्य भी कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं 24 घंटे घराट पर ही रहता हूँ और घराट चलाता हूँ। दूर दूर से लोग आटा खरीदने और पिसाई करवाने के लिए आते हैं। भाई ये कौन सी जगह है? ये किस पंचायत में पड़ता है? किस पंचायत में पड़ता है? ये तहसील कौन सी है? अच्छा, और ये आप कितने समय से ये घराट का काम कर रहे हो? 82 से कर रहे हो? आपके जहाँ मतलब आटा पिसाई के लिए कहाँ कहाँ से दुनिया आती है? तो इसमें किस चीज की जो पिसाई की जाती है इसमें? हाँ जी, किस किस चीज की पिसाई की जाती है? मक्की। हाँ जी। हाँ जी। हल्दी, चावल। तो ये मतलब दिन रात चलता है? क्या एवरेज है इसकी, मतलब 24 घंटे में कितनी पिसाई कर देती है? दो घंटे कर देती है। अगर ये मतलब खराब होता है तो आप ठीक किससे करवाते हो? अच्छा, तो ये जो मटेरियल है जैसे ये मतलब चक्की घूम रही है, ये आप कहाँ से खरीद के लाते हो? खराब खरू हुआ है या टूट जाए या कुछ भी हो जाए? हाँ जी, बाकी ठीक है जी। मतलब आप मतलब आप जीवन निर्वाह इस पर ही कर रहे हो? ठीक है सर, ओके जी। वही इस मौके पर घराट पर मक्के की पिसाई करवाने के लिए मलाहड़ी से आए पूर्व सैनिक समर पठानिया ने बताया कि क्षेत्र में कई चक्कियां भी लगी हुई हैं, पर लोगों ने वर्षों से इसी घराट का पीसा हुआ आटा ही खाते हैं। जब आते हैं तो एक बोरी गेहूं की छोड़कर जाते हैं और पहले से पिसाई गई छोड़ी गई बोरी ले जाते हैं और ये आटा शरीर को हस्त पुस्त बनाता है। सर आपका कौन सा गाँव है? मेरा गाँव मलाहड़ी है, पंचायत मेरी मलाहड़ी है। तो आप इस घराट से कितने समय से आटे की पिसाई करा के ले जा रहे हो? लगभग जब से मैंने अपना होश संभाला है, बल्कि बचपन से ही हम यहाँ पर आते हैं। जहाँ से एक तो यह कि जो आटा है एक उसमें बल्कि स्वास्थ्यवर्धक होता है वो, कि एक तो बिजली की उसमें कोई भी बिजली से नहीं वो निकाला जाता है, जैसे चक्की आटो में उसको पिसाई करते हैं। इसमें क्या कि पानी के प्रेशर से बहाव की जो पूड़ियाँ हैं, दो पूड़ियाँ वो घूमती हैं, उसके बहाव से जो इसके कणक गेहूं है या मक्की का है, मक्की का आटा तैयार होता है, जिसके वो खाने के लिए बहुत ही टेस्ट और उसमें मिठास और उसमें जो नरमाई होती है, जो सॉफ्टनेस होती है, वो उसमें रहती है, जो कि जो बिजली वाली चक्की के जो मशीन है वो नहीं
अपना काम नहीं कर पाती है वैसा।